यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। टीवी 9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जीरी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दाता खुशियां दे, माता रानी सदा सुखी रखे। क्या करना है क्या नहीं, हमेशा इसी कंफ्यूजन में रहते हैं, बेमतलब ही उलझे रहते हैं, हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है, खुद से कोई फैसला नहीं ले पाते। तो कहीं मत जाइए, क्योंकि आपकी दुविधा का अंत करने के लिए लाए हैं हम आज का एपिसोड। आज गुरुदेव से जानेंगे क्यों हमेशा आप कंफ्यूज रहते हैं, क्यों आप फैसले लेने से कतराते हैं। इसके साथ आपके पूरे दिन का हाल भी हम गुरुदेव से जानेंगे। गुरुदेव, सबसे पहले जानेंगे दुविधा, कंफ्यूजन, क्यों हमेशा दुविधा में रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, उसके पीछे कोई प्लैनेटरी इफेक्ट रहता है, इसके बारे में बताएं। ये जो तुमने सवाल किया है, इसके बड़ा कई सारे जवाब हैं। चंद्र और शनि का मेल हो, इंसान को आइडिया जल्दी नहीं आता। अगर उसे कोई आइडिया दे दे तो वो घोड़े पे सवार हो जाता है, फिर उसके बाद बहुत दूर निकल जाता है, लेकिन पहला आइडिया नहीं आता, तो उसकी वजह से वो कन्फ्यूज़न दिन रात सोचने वाला, हर वक्त सोचने वाला, वो इस तरह से बनता चला जाता है। उसको सलाह की सख्त आवश्यकता होती है, और जब उसे सलाह मिलती है फिर वो वाकई में दौड़ता है। इसीलिए चंद्र शनि के मेल वालों को ये खास तौर पे सलाह हम देते हैं कि तुम पार्टनरशिप में काम करो, उनके इसी कन्फ्यूज़न को ख़त्म करने के लिए। दूसरा होता है सूर्य का कमज़ोर होना। ये लोग कन्फ्यूज़न नहीं, एक शक पाल के रखते हैं, जिसे वो नाम कन्फ्यूज़न का दे देते हैं। और वो क्या होता है, किसी भी काम को करने से पहले उसके नेगेटिव और पॉजिटिव के सोच के बीच में फंस के नेगेटिव को बड़ा कर लेना, ये अपने आप में सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है, ठीक है। और उसके चक्कर में कोई भी काम को पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाते, जो अपने आप को आता भी है उसको भी भूल जाते हैं, ये दूसरी तरह का कन्फ्यूज़न है। तीसरी तरह का एक और कन्फ्यूज़न होता है, और ये सबसे गंदे वाला कन्फ्यूज़न होता है, और वो कौन सा होता है, बुध का खराब होना। ये बुध खराब के लोग ये दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं कि वो उन्हें चलाएंगे, वो उनको सही सलाह देंगे। यही वो लोग हैं जो पूजा पाठ के नाम पे बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल हो जाते हैं। हमारे पास तो ऐसे ऐसे केसेस भी हैं जिसके अंदर पूजा पाठ के नाम के ऊपर कोई उनके बच्चों तक को इस्तेमाल कर गया, और उन्होंने घर के अंदर वही आडंबर रचना, वही सब कुछ करना, और परमात्मा उनको स्वयं आकर के देगा, इस तरह के झांसों में फंस के अपना सब कुछ लौटा लेगा, समझे। ये सबसे गंदे वाला कन्फ्यूज़न है। तो ये लगभग मोटे मोटे ये तीन प्रकार के कन्फ्यूज़न होते हैं, जिसके अंदर तीनों ही हिस्सों के अंदर इंसान को अपने ऊपर कर्म का कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन सोच का कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो जिसकी वजह से इंसान को ऐसे में सही सलाह का, सही जानकारी और सही हालात की वाकई में बहुत ज़रूरत पड़ती है। बहुत खूब। और आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह शुभ है, कौन सा ग्रह अशुभ, इसके बारे में जानना है तो आप एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड ज़रूर करें। गुरुदेव, दूसरा सवाल, अक्सर देखा है कुछ लोग होते हैं ना, दूसरों के पीछे पीछे चलते हैं, जैसा सामने वाला कह रहा है वो सही है, जो सामने वाला कर रहा है वही करना है, अपना खुद का डिसीजन नहीं है, ऐसे लोग, उन पर क्या ग्रहों का इफेक्ट होता है और ऐसे लोगों को क्या उपाय किया जाना चाहिए? तुम्हारा ये सवाल तो बहुत छोटा सा है जी, लेकिन इसका जवाब और इसके हालात ये कितने दुखदाई होते हैं, मैं इसके बारे में तुम्हें बताता हूँ। कभी केस आता है कि हमारे दामाद की हमारे घर में चलती है, है ना, और वो 100% डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो वो चलती है, वो इतनी ज़्यादा चला देते हैं डिपेंड हो करके, कि बाद में पता चलता है कि एक बेटी तो उन्होंने स्वेच्छा से दी थी और दूसरी दो बेटियों के साथ में उसके संबंध हो गए, समझे ये चीज़।
फिर दूसरा सवाल कि नहीं, हमारे तो गुरु महाराज ही सब कुछ करेंगे, समझेंगे, और बिल्कुल अपनी अकल नहीं लगाई। पता है इस तरह के केस तो टीवियों के ऊपर भी बहुत चले कि क्या हुआ। इसी प्रकार पे घर पे आते हैं गुरु महाराज, पूरी पूजा अर्चना ये वो सब कुछ करते हैं और लगातार उनकी ज़िंदगी के अंदर घुसते चले जा रहे हैं, और वहाँ पर भी यही हालात देखने को मिलते हैं। उनके ऊपर आंख बंद करके पैसे खर्चे जाते हैं। नहीं तो फिर चौथी तरह के हालात, दुनियादारी के अंदर किसी को अपना बना लिया, अब वो उनकी ज़िंदगी को चला रहे हैं, और चलाते चलाते ऐसे मोड़ तक आ गए कि गृहस्थी भी खत्म होने के कगार पर आ गई। रीज़न आप समझ सकते हैं, ठीक है। यही सबसे गंदा योग है, इसे बोलते हैं बुध खराब। और ये बुध खराब इस तरह के हालात तक, जैसे जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति अगर सातवें घर के अंदर बैठा हुआ हो और वो खराब अवस्था के अंदर हो, वो खराब किसको करता है, बुध को खराब करता है। तो वहाँ पर लाल किताब में अंदर एक शब्द लिखे हुए हैं कि ऐसा इंसान अपने परमात्मा को अपनी सिद्धि के लिए अपने बच्चे तक की भी बलि चढ़ा देते हैं। और आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे अखबारों के अंदर भी आता है कि किसी के बच्चे को बलि चढ़ा दी या अपने ही बच्चे की बलि चढ़ा दी, समझे। यही वो लोग हैं जो दूसरों के झांसे में फंस के अपने जीवन का सत्यानाश कर लेते हैं, समझे। परमात्मा ने बुद्धि दी है लेकिन किसी को नहीं दी है। ये जिनको नहीं दी है इनके लिए तरस खाना, इनको सही रास्ते पे लाना, ये बहुत बहुत ज़रूरी है, समझे। और इन लोगों को आंख बंद करके गुरु धारण करना, खास तौर पे ऐसा गुरु जो हर वक्त उनके घर पे बैठा रहता हो, जो हर हफ्ते आता हो, और जो रोज़ ही नए नए पाठ पढ़ा करके तरह तरह की पूजाएं करवाता हो, बेटा इन गुरुओं से बचना बहुत ज़रूरी है। वो वेदांग लोग जो सिचुएशन देखते हैं, सिचुएशन देख के परमात्मा का एक अनुष्ठान करवा के पूरी विधि करा करके इंसान को कहते कि नहीं अब तू ये कर, और चार छः महीने तक वो आपका पता तो लेते हैं लेकिन आपको नई नई कहानियाँ नहीं करते, वो जायज़ लोग हैं। लेकिन ये रोज़ आपके घर में घुसने वाले ये स्वार्थी लोग हैं, और रोज़ आपको तरह तरह की चीज़ें करवाने वाले, इनसे बुरे लोग नहीं हैं। और ये ऐसे ही बुद्धि खराब यानी कि बुध खराब के लोगों को ढूंढते रहते हैं, समझे। फिर वो जो लोग जो रोज़ ही नई पूजा पाठ, आज भोलेनाथ की कर रहे हैं, कल को काली माता की कर रहे हैं, परसों पीर की कर रहे हैं, फिर उस पैगंबर की कर रहे हैं, एक किसी न किसी की पूजा में फंसे ही रहते हैं, ये भी वही लोग हैं, समझे। इन लोगों का कन्फ्यूज़न कभी नहीं ख़त्म हो सकता। इन लोगों को अपनी हिम्मत से आगे बढ़ना, जब तक उपाय नहीं होंगे ये कामयाब नहीं हो पाता। यही लोग रोज़ अपने आस पास के माहौल में क्लेश पैदा करके छोड़ने का काम भी करते हैं, और प्यार के अंदर ऐसा बहाव दिखाते हैं कि एक ऐसे को चुनते हैं कि जो इनके ऊपर राज कर सके, ये गलत है तरीका। तो ये बुध खराब, इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। और इसका इलाज अगर करना है आपको, अगर आपके पास है, तो बेटा 96 दिन के लिए बीच में से नाक छेदन करवा के इसके अंदर सोना या चांदी की तार डालें, और 96 दिन के बाद निकाल के इसको घर के बाहर कहीं भी फेंक दें। इन लोगों को हर बुधवार को मूंग साबुत का दान देना चाहिए। इन लोगों को हर मंगलवार को, समझे, दूध चावल मिश्री मंदिर के अंदर देते रहना चाहिए। इन लोगों को पुखराज और मोती धारण करना, चाहे गले में करें चाहे हाथ में करें, ज़रूर धारण करना चाहिए। कारण ये कि बुध जब खराब होता है तो तब बृहस्पति और चंद्रमा, समझे, इन दोनों की अगर सहायता ली जाए तो बुध काबू में आता है। तो ये बहुत बड़ी बुराई की तुमने एक तरह की बात छेड़ दी बेटा, इसलिए मैंने खुल के ये बताने का कोशिश की है। ऐसे में आपके आसपास के माहौल के अंदर कोई ऐसा इंसान है तो उसकी जीवन को काबू में लाने के लिए आपको ये उपाय ज़रूर उससे करवाना चाहिए। ये एक तरह का उनका भला ही होगा, हालांकि वो मानेंगे नहीं जल्दी, पर आपको कोशिश करके उनके जीवन में ज़रूर अच्छा फल लाना चाहिए। तो गुरुदेव, अभी आपने जैसे बताया तो कुछ लोग जैसे तांत्रिक आडंबर करते हैं, दूसरों को फंसाते हैं या खुद करते हैं, ऐसे लोगों पर क्या इफेक्ट होता है? बेटा ये वही वाली बात है जो अभी मैंने बताया है। ये तांत्रिक कह लो, पूजा पाठ वाले कह लो, या ढोंगी कह लो, समझिए,
इनकी स्वार्थ सिद्धि होती है, और इनकी स्वार्थ सिद्धि ज़्यादातर क्या होती है बेटा, जिंदगी के अंदर तीन खेल हैं, जर का, जोरू का, जमीन का, यानी पैसा, औरत और ज़मीन। समझे? आदमी के लिए औरत जो है वो औरत है, और औरत के लिए आदमी वो भी औरत वाला ही खेल है। समझे ना? तो तीन ही हिस्सों की चाहत होती है, और ये लोग इस तरह के अडंबरों में फंसा करके जो फंस गया उसके घर से ये तीनों चीज़ लूटने का काम करते हैं। हमारे पास तो बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं कि ऐसे ही कोई सलाहकार बन के आया, ऐसे ही पूजा पाठ करवाने वाला आया, वो इतने एकड़ ज़मीन साथ में लगा के चला गया, इतने करोड़ साथ में लेकर के चला गया। ये रोज़ के खेल हैं, समझिए ना। तो इनसे बचना चाहिए, अपने बच्चों को संभाल के रखो। चलो कोई पूजा करा रहे हो, करवा लो, लेकिन बच्चे सामने होने चाहिए, पीठ पीछे अकेला मत छोड़ो बेटा, ये बहुत ज़रूरी है। वरना आप स्वयं ही मूर्ख बनने के लिए अगर तैयार हो गए तो बेटा फिर तो आप तो बन ही जाओगे, फिर मामले ख़राब हो जाएंगे। तो फिर आप नाम चाहे किसी को कुछ भी दीजिए, लेकिन इस्तेमाल आप हो जाएंगे। तो इस इस्तेमाल होने से सख्त बचें। और अगर अपने आप को बचाना है तो एस्ट्रो साइंस जरूर देखें, और ग्रहों की दुर्दशा को सुधारना है तो एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। गुरुदेव, अगला सवाल। किसी चीज़ को लेके फैसला ले लिया, मन बना लिया, हाँ अब मैं ये काम करूँगा, और वो काम का प्रोसेस भी शुरू हो गया, लेकिन फिर दुविधा शुरू हो गई। मैंने फैसला ले लिया, काम भी चल रहा है, अब मैं दुविधा में हूँ, या मैंने सही किया या नहीं, उसके बारे में बताएं। बेटा ये एक स्थिति ऐसी होती है जिसके अंदर बुध रायो कारक बैठे होते हैं, और जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा खराब होता है। फैसला लेना यानी कि प्लान बनाना, फैसला लेना और वो अच्छा है, ये तो बुध समझा देते हैं, लेकिन उस फैसले के ऊपर चलते हुए हालात पैदा करना, लिक्विडिटी पैदा करना और आगे की ज़रूरतों को पूरा करना, ये चंद्रमा का काम है। तो ऐसी अवस्था के अंदर जब चंद्रमा खराब होता है तो आदमी सब कुछ शुरू कर लेता है, लेकिन जब थोड़ा आगे पहुंचता है, मध्य में पहुंचता है, तो उसको पता चलता है कि ये ठीक नहीं है, या ये मैं कर नहीं पाऊंगा, मेरे को यहाँ फैसला लेकर के किसी अलग रास्ते पर जाना चाहिए। तो यहाँ पर बजाय अलग रास्ते पर जाने के आपको चंद्रमा को ठीक कर लेना चाहिए, और चंद्रमा को अगर आप ठीक करते हैं तो जो आपने पहले फैसला लिया, आपके दिल ने बताया वो सही था, बस हिम्मत यहाँ पर मत तोड़िए चंद्रमा को। और ये हिम्मत टूटती कहाँ है, जब हमें पीछे से कमी होती नज़र आती है तब ये हिम्मतें टूटती हैं। तो ऐसी अवस्था के अंदर आप जाइए, चावल ले लीजिए, मिश्री ले लीजिए, चीनी ले लीजिए, कुछ भी लीजिए, दूध लीजिए, और वृद्ध आश्रम में जाइए, और वृद्ध आश्रम में जा कर के आप उनको ये सारा सामान दें, वहाँ बैठ के बुज़ुर्गों के साथ में थोड़ी देर आप प्यार के साथ वहाँ पर बातचीत करें, और बातचीत के अंदर अपने इसी पार्ट के लिए आप उनसे एक बार सलाह लेके देखिए, और वहाँ वो जो चंद्रमा बैठे हुए हैं, बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, उनके मुंह से एक सलाह आपको इस दुविधा में से पार करके कामयाबी की तरफ ले जाएगी, और ये चंद्रमा का आशीर्वाद बोला जाता है। और इन दिनों के अंदर ख़ास तौर पर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पंचाक्षर मंत्र है। तो ऐसे अवस्था में नमः शिवाय का जाप मन के अंदर करते रहना, समय समय पे करते रहना, भोलेनाथ को जल चढ़ाना, और ये चावल चीनी वगैरह ये मंदिर के अंदर दूर मंदिर में देते रहना, आपके चंद्रमा को अच्छा करता चला जाएगा, और आप कन्फ्यूज़न को छोड़ के आप उसी में रास्ते तलाश करते हुए अपने काम के अंदर आगे बढ़िए, ज़रूर कामयाब होंगे, क्योंकि ऐसे लोगों का बुध राजयोग कारक बैठा। गुरुदेव, अगला सवाल। कुछ लोग देखे हैं कि सोच समझ के फैसला लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करना चाहते, उन्हें तुरंत फैसला लेना होता है तो वो जल्दीबाजी में फैसला लेते हैं, कभी वो सही हो जाता है और कभी वो गलत। ऐसे लोगों के बारे में बताएं। ये वो लोग होते हैं जो जल्दबाजी में फैसला लेते हैं, कि जिनके चंद्रमा और बुध बैठे अच्छी जगह होते हैं, और ये करते करते अपनी मेहनत से तिकड़ में करते हुए काफ़ी अच्छी कामयाबी तक भी पहुंचते हैं। ठीक है, दिल के अच्छे होते हैं, परिवारों को संभाल के रखते हैं, अपनों को संभाल के रखते हैं, लेकिन इन लोगों के अंदर एक कमी होती है। एक तो ये कमी होती है कि ये हर किसी की नज़र के अंदर अच्छा बन के रहना चाहते हैं, और दूसरा ये अपने आप को साबित करना चाहते हैं, जिसके चक्कर में ये बहुत जल्दी जल्दी फैसला लेकर जल्दी फैसला लेकर के बाद में इनको पता भी होता है कि मैं जल्दी में फैसला ले रहा हूँ,
और इसका कोई नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, लेकिन उस वक्त भूल के ये कर लेते हैं और ये करने के बाद फिर सोचना शुरू करते हैं। और जब वो सोचना शुरू करते हैं तो इनको खामियों का ये पता चलता है कि इन्होंने जो जो करैक्टर चुना है जिस जिस चीज़ के लिए, वो करैक्टर ही गलत चुने, जिसकी वजह से इनको चोट के आसार ज़्यादा मिलते हैं। ज़्यादातर जितने भी समझदार लोग हैं, कामयाब लोग हैं, वो किसी एक चीज़ को करने के लिए पहले उसके बारे में महीनों या महीना भर सर्च रिसर्च करते हैं, उसके बाद उसके लिए राइट कैंडिडेट देखते हैं, राइट कैंडिडेट का भी आजमाते हैं महीना भर, उसके साथ प्लान डिस्कस करते हैं, प्लान डिस्कस करके उसको ऐसा तैयार करते हैं कि जब वो सलाह देने के काबिल बन जाए जिस कैंडिडेट को चुनाए, तब वो अपने कामों की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन ये लोग इतने उतावले होते हैं कि इन्होंने ना तो सर्च रिसर्च और ना राइट कैंडिडेट ये बनाए बिना जब इसके अंदर आप उतरने लगते हैं, तो इसीलिए ये अच्छे लोग होते हैं, कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इस तरह से गंवाते हैं और बहुत बुरी तरह से गंवाते हैं। इन लोगों को ख़ास तौर पे 6 दिन के लिए अपना नाक छेदन ये बीच में से करवाना चाहिए और अपनी बहन बुआ बेटी इनको अपनी आय का कुछ हिस्सा या उनके बच्चों को गिफ्ट के तौर पे कुछ ना कुछ हर महीने देते रहना और ख़ास तौर पे मंदिर के अंदर भोलेनाथ को जल चढ़ाना और वहाँ के पंडित जी को चावल दूध मिश्री वगैरह का दान देते रहना, इन लोगों को इस बुराई से बचाएगा। और इन लोगों को रोज़ सुबह 5-10 मिनट की मेडिटेशन करनी चाहिए और साथ में इनको अपने अंदर कमियाँ खोजनी चाहिए कि मैं अपना कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करूँगा, ये भोलेनाथ को बताना चाहिए और कहना चाहिए कि भोलेनाथ मुझे सब्र दो ताकि मैं आराम से चल सकूँ। तो गुरुदेव, कुछ लोगों का जैसे प्रोफेशन है कि आपको जल्दबाजी में ही डिसीजन लेना है, जैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको तुरंत फैसला लेना पड़ता है, तो ऐसे लोग कुछ उपाय कर सकते हैं कि फैसले उनके ज़्यादा गलत ना बैठे, उन्हें ज़्यादा नुकसान ना हो? देख बेटा, तुमने शेयर मार्केट की बात करी, ये जो चीज़ है ये प्रैक्टिस पे डिपेंड है और प्रैक्टिस भी तब जब राहु और सूर्य अपने फेवर में हो। जिनका भी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य और राहु पॉजिटिवली जुड़ा हुआ है, समझ गए, वो लोग शेयर मार्केट करते हैं तो कमाते हैं, बहुत अच्छा कमाते हैं, शेयर मार्केट में जाते भी हैं लेकिन ज़्यादातर कमा के निकलते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो कमाते हैं। तो जिनका ये सूर्य राहु खराब है बेटा, वो रोज़ फैसला लेते हैं, रोज़ बर्बाद होके आते हैं, रोज़ फैसला लेते हैं, रोज़ बर्बाद होके आते हैं। तो यहाँ पर सूर्य को और राहु को अच्छा करना ही शेयर मार्केट के लिए, सिर्फ शेयर मार्केट के लिए बहुत उत्तम फल देता है। राहु को अच्छा करना है तो ऐसी अवस्था के अंदर सतनाजा, सतनाजे को पिसवा करके उसका आटा बना करके रोज़ उसकी 1-2 रोटी बना करके पक्षियों को डालना शुरू करो, राहु अच्छा होगा। और सूर्य को अच्छा करना है तो हर रविवार को बंदरों को गुड़ गेहूँ दे, नहीं तो जो सरकारी स्कूल के बच्चे छोटी छोटी उम्र के होते हैं उनको आप गेहूं के एक लड्डू बनवा लें जो गुड़ के अंदर बनते हैं, यानी गेहूं भून के उसके साथ गुड़ लगा करके लड्डू बना, ये सरकारी स्कूल के बच्चों को अगर आप खाने को देते हैं तो इससे सूर्य बहुत अच्छा होता है। तो इधर राहु इधर सूर्य को अच्छा करके आप चलते हैं तो शेयर मार्केट के अंदर आपको लाभ वाली बुद्धि तब प्राप्त होती है। आपकी कुंडली में राहु शुभ है या नहीं, इसके लिए आप एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करें और अपनी कुंडली के बारे में जानें। गुरुदेव, सवाल है मेरा कि अच्छे सलाहकार हैं, अच्छी सलाह हम दे सकते हैं पर सामने वाला हमें सीरियस नहीं लेता, हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें सीरियस ले, हमारी सलाह को कंसीडर करे, उसके लिए कोई उपाय हो सकते हैं? इसके लिए लाल किताब के अंदर बहुत शानदार बोला जाता है कि लगन में बुध हो तो इंसान हर तरह की मैनेजमेंट को चलाने वाला, हर तरह की एक अच्छी बुद्धि पाने वाला, सब अच्छा होता है। लेकिन वहाँ एक शर्त लगा दी कि ऐसे इंसान का रंग अगर सांवला होगा तो पानी पर भी पत्थर इसके तरेंगे, है ना, यानी लोग इसे मानेंगे भी, कामयाबी भी होगी और गहरी सोच के साथ में जिंदगी के अंदर कामयाब होगा। लेकिन अगर ऐसे आदमी का रंग सफ़ेद है तो ऐसी अवस्था में गुण तो उसके अंदर सारे हैं, लेकिन वहाँ एक खास शब्द आता है मखौलिया,
कि जो हंस हंस के हर वक्त तफरी के मोड में रहे और बात व्यंग में करे, हंसी वाले व्यंग में, और दूसरों को हंसाने की कोशिश में ही हर वक्त अगर वो लगा रहे, ठीक है, तो ऐसे लोग सलाह बहुत उत्तम देते हैं, कर्म करते हैं, लिखावट अच्छी, दूसरों से क्या चाहिए क्या सिखाना ये सब अच्छा, लेकिन उसको लोग सीरियस ही नहीं लेते, समझे। तो ऐसे इंसान हंसी मजाक करे, करने के वक्त में करे, लेकिन जब काम करे इतना सीरियस होकर के करे कि उसके अंदर एक भी शब्द बीच में मजाक का नहीं आना चाहिए। इनको ये बदलाव लाना पड़ेगा। इसके साथ अपने अंदर ये गुण परमानेंट बन जाए, इसके लिए माणिक्य की अंगूठी धारण करना सोने में, हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाना, और जब भी आप अपने पुरोहितों के पास जाएं, अपने गुरुओं के पास जाएं, जठेरों में जाएं, वहाँ पीली चीज़ों को चढ़ाना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, ठीक है। और समय समय के ऊपर हलवा पूरी का भंडारा लगाना इनको और शुभ फल प्रदान करेगा, ठीक है। तो ये करते रहे, तब आपके फैसले आपके साथ होंगे, तब लोग आपको सीरियस लेंगे और तब आप कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ेंगे। गुरुदेव, इसी से जुड़ता एक सवाल है कि दूसरों को सलाह तो अच्छी दे देते हैं पर खुद के लिए फैसले सही नहीं ले पाते, ऐसे लोगों के बारे में। इसके लिए लाल किताब में आता है, दूसरों को नसीहत मियाँ खुद फसीयत, ये लिखा गया है, और ये लिखा गया है मंगल चार के लिए। मंगल चार में हो शुभ हो, ऐसा इंसान एक अलग से अंदर से किसी डरपोक किस्म का होता है, जिसे वो बहुत ही अच्छा होने का नाम देता है कि मैं अच्छा हूँ। वो अपने भाई बहन को अच्छा रखता है, माँ बाप को अच्छा रखता है, रिश्तेदारों के हाथ से इस्तेमाल होता है, समझे। किसी की भी सलाह को बड़ी गहराई से सुन के बहुत शानदार सलाह दे करके आता है। अब अगर उसे ये कहना हो किसी को कि भाई जब तेरे को पता है कि ये खा रहा है तो तू ऐसे कर, ये वाला रास्ता अपना, इसको थोड़ा साइड पे छोड़ और करके आराम से बच के निकल जाए, ये तो उसकी सलाह है। लेकिन वो जो सलाह दे के आया है ना बेटा, वो उसी सलाह के अंदर खुद फंसा हुआ है, उसके साथ ऐसा हो रहा है लेकिन वो उनको साइड नहीं कर पा रहा। तो इसी को बोलते हैं दूसरों को नसीहत मियाँ खुद फसीहत। इन लोगों को अपनी हिम्मत बनाने के लिए तीन धातु का छल्ला, सोना, तांबा, चांदी, एक एक ग्राम या दो दो ग्राम मिलवा के इनको रिंग फिंगर के अंदर वो धारण करना चाहिए। इन लोगों को हर मंगलवार गुड़ की रोटियाँ यानी कि गुड़ की चाशनी बना के आटा गूंद के 8 पेड़े बना के तंदूर में लगवा के पक्षियों को डालते रहना चाहिए। चांदी का चकोर टुकड़ा अपनी जेब में रखना चाहिए और घर की छत पर बोरियाँ, वो जो सुतली वाली बोरियाँ होती हैं, उनके अंदर 100-200 ग्राम देसी खांड भर के घर की छत के ऊपर रखना चाहिए। जब ये करेगा तब हिम्मत बल आएगा। बार बार वो जो समस्याओं को इग्नोर करके जीवन सिंपल तौर पे चलाने की कोशिश करता, बार बार नुकसान उठाता है, ये प्रॉब्लम उसमें से खत्म हो जाएगी और वो जीवन में कामयाब जरूर होगा। बहुत खूब, अब उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो और गुरुदेव की बताई बातें आपके काम बना दे। अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं तो गुरुदेव के बताए उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली उनसे बातचीत करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 999-999-0522। आप भी जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दुखों का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाए, इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाज़त लेने का। आप बने रहें हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।